सभी प्रभु प्रेमियों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। ये जो वीडियो हम बना रहे हैं, ये हर ताल का तीज का व्रत जो है, जिसे माता बहन बहुत चाव से रखती हैं, अपने पति की दीर्घ आयु के लिए रखती हैं। आप ये समझ सकते हैं जैसे करवा चौथ का व्रत रखती हैं, वैसे ही द सेम थिंग हम लोग माता बहन अपने पति के लिए ये करवा चौथ के व्रत की तरह ही हर ताल का तीज का व्रत रखती हैं। पर इस बार उदया तिथि नहीं है, कई बार 5 तारीख को कई लोग रखेंगे, 5 को कि 6 को, ये कन्फ्यूजन रहेगा। तो हर ताल का तीज का व्रत उदया तिथि में रखने वाले लोगों को 6 सितंबर को ये व्रत करना है। और इस व्रत की बहुत सुंदर बात यह है कि ये व्रत में पूजा की जाती है गणेश जी की, माँ पार्वती की और शंकर भगवान की। निर्जला ये व्रत रखा जाता है। माताएं बहन प्रार्थना करती हैं शंकर भगवान से, माँ पार्वती से, कि उनका जो सुहाग हो वो अमर हो। मतलब सुहाग आप जैसे चाहते, अमर तो खैर क्या होंगे, पर फिर भी दीर्घ आयु हमारे सुहाग की हो, ये हम सब चाहते हैं। तो इसकी कथा, कई बार हम क्या मिस्टेक करते हैं, व्रत पूरा कर लेते पर कहानी नहीं सुनते। कहानी अवश्य सुननी चाहिए, क्योंकि इस व्रत की कहानी स्वयं शंकर भगवान ने माँ पार्वती को सुनाई थी और माँ पार्वती से कहा था कि तुमने हरतालिका तीज का जो व्रत किया था ना, उसी व्रत के कारण भाद्रपद शुक्ल पक्ष की जो तीज है उसे हरतालिका तीज कहा जाता है। इस दिन तुमने कठोर तप करके हमको प्रसन्न किया था और हम तुम्हें पति के रूप में प्राप्त इसी व्रत के कारण हुए थे। तो ये जो कथा है, ये शंकर भगवान स्वयं माँ पार्वती को सुना रहे हैं। तो इस व्रत को करने वाली प्रत्येक माता बहन का सुहाग भी दीर्घ आयु को प्राप्त होता है और उनके घर में रिद्धि सिद्धि बनी रहती है। आप सबसे हमारा निवेदन है कि ये व्रत करते समय सबसे पहले गणेश जी का पूजन करें और गणेश जी के ऊपर दुर्वा चढ़ाएं और फिर माँ पार्वती का पूजन करें और शंकर भगवान का अभिषेक करें, और शंकर भगवान का अभिषेक करके जल चढ़ाकर, दुर्वा चढ़ाकर, बेलपत्र चढ़ाकर, जो भी हो वो अपने पति की दीर्घ आयु के लिए आप माँ पार्वती से और शंकर भगवान से प्रार्थना करें। तो जो पूजा का समय है, जो शुभ मुहूर्त है पूजा का, वो है 6 सितंबर को 6:01 से 8:31 तक। इस बीच में जो लोग पूजा करेंगी माता बहन, ये बहुत ही शुभ मुहूर्त है, लाभदायक है, फल देने वाला है, इच्छा को पूर्ण करने वाला है। तो आप सब इस मुहूर्त में पूजा करें और आप सब जो भी माताएं हरतालिका तीज का व्रत करेंगी उन सब के लिए मैं प्रार्थना करता हूं प्रिया कांजू आपके मनोभावना को पूरी करें और आपके पति की आयु दीर्घ करें, आपके पति स्वस्थ रहें और अपने कार्यों में व्यस्त रहें, भगवान की भक्ति करते रहें और आप भी निरोगी काया को प्राप्त हों, ऐसी प्रार्थना करता हूं। आप अपने बाल गोपालों को भी ये कथा अवश्य सुनाएं, जिससे वो बच्चे भी इस तीज का महत्व जान सके, व्रत का महत्व जान सके। बहुत बहुत शुभकामनाएं, राधे राधे।